30 दिन के बाद की जा। इतनी जल्दबाजी क्या थी कि आपको तुरंत ही बाहर करना है? राजनीति बेकार ही चल रही है वर्तमान में, बदले की भावना से राजनीति की जा रही है। तो इस तरीके से जो अभी छोटे छोटे से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो ये हमारे, हमको ऐसा लगता है कि ये गलत है। मतलब जनता ने चुना किसी को, आपने उनके किसी को कर दिया। गलतियां विधायकों की भी हैं कि वो बदले क्यों, लेकिन होता यह है कि जनता ने बीजेपी को नकारा था। 155 के तहत अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा होती है, तब ऐसी स्थिति में संसदीय सदस्यता रद्द की जा सकती है। और ये संसदीय सदस्यता संसदीय सचिव के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करके और स्पीकर के सहमति से लिया गया है। तो इस पे स्पीकर और संसदीय सचिव की भूमिका है। तो फिर जल्दबाजी हुई, क्योंकि ये मेरे ख्याल से जहां तक मुझे जानकारी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय था, सूरत के किसी कोर्ट, सूरत के कोर्ट ने डिसीजन। तो अभी तो बात हाई कोर्ट में नहीं पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। तो इतनी क्या जल्दबाजी थी? 30 दिन का वक्त भी कोर्ट के द्वारा दिया गया है, लेकिन ये अभी है ना, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी? 30 दिन के बाद इतनी जल्दबाजी क्या थी कि आपको तुरंत ही बाहर करना है? तो जो ये लंदन का मसला था और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, इन चीजों को संसद में तीव्रता से ना उठाया जा सके, ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, ये भी कारण हो सकता है उसमें, हमें लगता है। और जहाँ तक हम समझ रहे हैं, क्योंकि युवा सब देख रहे हैं और अभी मतलब जो राजनीति और जो चल रही है वो बहुत, मतलब राजनीति बेकार ही चल रही है वर्तमान में, बदले की भावना से राजनीति की जा रही है। और अगर हम बात करें, चाहे आप देख लेते हैं, ये अभी कोई इकलौता नहीं, अभी मैं कुछ दिन पहले संसद उत्तर प्रदेश के विधानसभा का सत्र देख रहा था, और उसके पहले मैंने दिल्ली का भी सत्र देखा हुआ था। तो चाहे आप दिल्ली के विधानसभा में देख लीजिए, जो राजनेता हैं अपोजिशन के या सत्ता पक्ष के हैं, या आप जाके उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, या इसके पहले हम पश्चिम बंगाल का देख रहे थे। तो होता ये है कि जो सत्ता पक्ष होते, जैसे आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में भी जो विपक्ष के बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको सत्ता पक्ष के द्वारा सजा करवा दी गई, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई और जेल में भिजवा दिया गया। यही केस चल रहा है, आप बहुत देखिए, मनीष सिसोदिया जैसे जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ कहाँ पर चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है। वो भी एक मजबूत सशक्त लीडर हैं जिन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम को विदेशों में पहचान दिलाई है। हम ये मानते हैं कि जो शासकीय तंत्र था वो बहुत मजबूत नहीं था, शिक्षा के लिए कमजोर होता जा रहा था, बहुत कमजोर था। मतलब आज शासकीय सेवा सब चाह रहे थे कि हम शासकीय सेवा में हूँ, पर शासकीय सेवाओं का फायदा कोई नहीं लेना चाह रहा था। जैसे मैं बात करूँ कि शासकीय अस्पताल में इलाज कोई नहीं करवाना चाह रहा था, अपने बच्चों को शासकीय स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाह रहा था। पर आज दिल्ली के जो शासकीय स्कूलों का नाम है पूरे विश्व में, आप देखेंगे उनका जो एजुकेशन पॉलिसी है और वहाँ से निकलने वाले बच्चे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। उनको भी आप रिमांड पर बढ़ाते जा रहे हैं, रिमांड बढ़ाते जा रहे हैं उनके। उसके पहले आप जैन साहब का देख लीजिए, वहाँ पर जो एक जैन, तो सत्येंद्र जैन है, उनके साथ भी यही किया जा रहा था। इसके पहले हम पश्चिम बंगाल देखते थे तो पश्चिम बंगाल में यही होता था। छत्तीसगढ़ में आपने कवर किया होगा न्यूज़ की, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार है अभी और कांग्रेस शासित प्रदेश है छत्तीसगढ़, वहाँ के करीब 82 विधायकों को उठा करके उड़ीसा ले, झारखंड ले जाया गया, और झारखंड में कब वो कर दिया जब उन्होंने अपनी सरकार बचाई। मतलब देश में क्या चल रहा है, क्योंकि जहाँ तक हमको पता है कि जैसे लोग पहले बोलते थे मनसा वाचा कर्मणा, राजनीति करते हैं मन से वचन से कर्म से करना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है। अब वो धन बल और इनसे हो गया है। आप मध्य प्रदेश का उपचार देख लीजिए, मध्य प्रदेश में जो जनता की चुनी हुई सरकार थी उसको गिरा करके बीजेपी ने बलपूर्वक, धनपूर्वक, किसी भी तरीके से, मतलब हम ये देख रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से हमको शासन करना है। मतलब जनता ने चुना किसी को, आपने उनके किसी को कर दिया। गलतियां विधायकों की भी हैं कि वो बदले क्यों, लेकिन होता यह है कि जनता ने बीजेपी को नकारा था। लेकिन एक चीज ये भी सत्य है कि जो पॉलिटिक्स में है कुछ ना कुछ तो उसने दबा रखा है। हाँ। और जो पक्ष सत्ता पक्ष होता है उसके पास वो दबी हुई चीज निकालने का एक ऐसा तरीका होता है कि मजबूरी बस भी विपक्ष के लोगों को बदलना पड़ता है। नहीं, ये बदल रहे हैं, हम मानते हैं कि मजबूरी पक्ष आप बदल रहे हैं। तो देखिए, आज जो सत्ता में है कल वो सत्ता पर नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत अच्छा वक्तव्य था कि ये आज जो कुर्सी में, मतलब सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है, वो कुर्सी आज मेरी है, कल किसी और की होगी। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर ये देश रहना चाहिए। तो सरकारें तो बदलती रहती हैं,
कांग्रेस की सरकार आई, बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव देखे कांग्रेस शासित, जब कांग्रेस की सरकार थी बहुत सारे ऐसे विपत्तियां आती थीं, अकाल पड़ता था, बहुत सारी मतलब विपदाएं हम लोग पढ़ते हैं कि जो हम इतिहास देखते हैं। तो अगर आज़ादी के बाद से और अगर 75 सालों का हिसाब देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जिस स्थिति में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था उस स्थिति से उभारने के लिए आज की स्थिति तक 2020 तक लाने में, अगर ऐसा होता है कि मेरे को मेरे माँ बाप ने एक बना बनाया नक्शा दे दिया, घर दे दिया, ढांचा बना के दे दिया, तो अब मेरे को उसमें केवल इंटीरियर करना है कि मेरे को सजाना है अपने हिसाब से कि मैं इसमें कहाँ पे कौन सा गुलदस्ता लगाऊँ, कौन सा इंटीरियर डिजाइन करूँ, लेकिन जो ढांचा बनाना होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो कांग्रेस ने देश का ढांचा बनाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जो सरकारें आती गई उनको केवल उसको डेकोरेट करना है कि अब जैसे जिस समय के बदलाव के साथ साथ आप देश को सजा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम उसमें हम कांग्रेस का योगदान नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि कैसे अखंड भारत था, टुकड़े टुकड़े थे देश के, उसी समय भारत ने भारत पाक का युद्ध देखा, भारत चीन का युद्ध देखा, फिर उसके बाद अकाल देखा, फिर अकाल से पीड़ित होकर देश को जैसे ही समस्या बढ़ती जा रही थी फिर आतंकी हमले हो रहे हैं, तो मतलब बहुत सारी ऐसी विपदाएँ थी, आर्थिक स्थिति जीरो थी, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे, देश को कैसे स्थिति चलाना है, इवन ऐसा भी हो गया था कि एक समय तो 1991 में ऐसा भी हो गया था कि भारत के पास अगर भंडार को गिरवी रखना पड़ रहा था, आरबीआई के पास जो स्वर्ण मुद्रा उसको गिरवी रख, तो ऐसी विपत्तियां देखते देखते देश हमारा उभर के आया हुआ है। उसके बाद ऐसे मजबूत लीडर हुआ करते थे कि जैसे नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे और उनको अपने देश की बात को रखने के लिए विदेश में जाना था एज अ विदेश मंत्री, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी कोई सरकार में सत्ता पक्ष में नहीं थे, परंतु नरसिम्हा राव जी ने किससे संपर्क किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, और उन्होंने बोला कि आप भारत का पक्ष रखिए, तो मतलब वो राजनीति हुआ करती थी, लोग मिलजुल कर एक सोचता थे कि भाई हमको पता है कि हमारे पास ऐसा लीडर नहीं है जो भारत को बहुत अच्छे तरीके से पेश कर पाए विदेश में, तो उन्होंने किसको भेजा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, मतलब ऐसा बहुत पहले होता था। एक और आपको मैं वक्त बताना चाहता हूँ कि एक सरकार, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कि एक समय जब आईपी गुजराल थे या उसके पहले कोई एक और प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी की मौत की तुरंत नरसिम्हा राव जी के बाद, तो उस समय भारत उनके पास एक ऐसा मतलब मंत्रालय नहीं था कानून मंत्री देने के लिए, एक योग्य उम्मीदवार नहीं था, तो उन्होंने विपक्ष को मतलब जो जनशक्ति पार्टी के थे उस विपक्ष के लीडर को बना दिया था कि वो तुम कानून मंत्री बनो, मतलब ऐसी सोचता था। अगर आप इतिहास देखेंगे संविधान में, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ कैसे कौन से मंत्री, अगर हम बात करते हैं मंत्रिमंडल उसमें भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर मामलों के जो थे मंत्री बन गए। आप बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ थे, कहाँ से उन्होंने उनको बना दिया गया था, तो एक नेहरू जी की ये एकता होनी चाहिए कि भाई ऐसा। आप देखिए आज वर्तमान में आप देखिए भारत बोलते हैं हम पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, बहुत है बहुत, हम चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे, कर भी रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत हम तरक्की कर रहे हैं, बहुत जगह हम आगे जा रहे हैं, परंतु आप वास्तविकता भी देखिए, जो युवा है वो वास्तविकता भी देख रहा है। तो इस तरीके से जो अभी छोटे छोटे से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो ये हमारे हमको ऐसा लगता है कि ये गलत है, और क्योंकि जो समय है देश को यदि आपको टॉप नंबर वन पे लेके जाना है तो आपको इन सारे मुद्दों से उठ के ऊपर की राजनीति करनी होगी, आपको इन छोटी छोटी बातों से एलिगेशन और इनके द्वारा नहीं, क्योंकि जनता सब जानती है। आपको आज बहुमत मिल रहा है, एक समय ऐसा था कि जब इंदिरा गांधी को 400 प्लस वोट मिलते सीटें आई थी और उन्होंने शासन किया, आज आपके पास बहुमत है, कल हो सकता है आपके बाद किसी और को भी होगी, तो ये आप जो नया बीज बोके जा रहे हैं ये गलत है, क्योंकि ये कांटे पैदा कर रहे हैं अपने स्वयं के लिए, क्योंकि हर जगह ये न कहीं कुछ विषमताएं पाई जाती हैं और ये कांटे पैदा आप कर रहे हैं, जिससे ये गलत है, देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अवसर सबको मिलना चाहिए, अपना प्रतिपक्ष रखने का मिलेगा, और ऐसा नहीं है, चलिए राहुल गांधी के साथ है, कल हो सकता है किसी और के साथ, और हमने देखा भी है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो सजा में जिनको मिली है उनकी सजा गई है, फिर वो चुनाव लड़के आए हैं, फिर जीत के आए हैं, तो बहुत सारे ऐसा चलता है। तो देश में पर संविधान के ऊपर सभी को भरोसा है, और जो सबसे प्रथम तो संविधान ही है, और उनका सहारा राहुल गांधी भी लेंगे, संविधान प्रमुख है। चलिए, आप दोनों ने इस विषय को लेकर के चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।